हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे अरेलिया का प्लांट। ये एक इंडोर प्लांट है जो बहुत ही सुंदर हो रहा है। देखिए कितना अच्छा, कितना घना। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। और ये वेरिकेटेड है, इसमें ग्रीन भी आता है। तो मेरे पास यही है वेरिकेशन वाला। ये देखिए ये ग्रीन वाला है, ये अलग वैरायटी है। मेरे पास तीन वैरायटी है इसकी। बहुत ही सुंदर लगते हैं, कितना अच्छा हो रखा है। और ये है एग्लोनीमा, ये भी कितना अच्छा, कितना घना हो रखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये भी। ये देखिए यहाँ पे इसमें एक छोटा बेबी प्लांट और निकला हुआ है। देखिए और ये है एरिका पाम। ये सारे इंडोर प्लांट हैं मेरे, जो मैंने इंडोर रखे हुए हैं। और इनको कम धूप की ज़रूरत होती है, ये ब्राइट लाइट में भी चल जाते हैं। तो इनको ऐसी जगह ही रखें जहाँ अपने घर में ब्राइट लाइट आती हो थोड़ी, और हफ्ते में एक बार आप धूप दिखा सकते हो। दो या तीन दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए अंदर रख दिया, दो या तीन दिन के लिए, फिर इसको हफ्ते भर बाद धूप दिखा दी, तीन चार घंटे की सुबह की वो भी। तो ये इंडोर प्लांट। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा है, मैंने कुछ शॉपिंग करी है ऑनलाइन, उसके पर ही मैंने बनाई है वीडियो। ये देखिए, तो मैंने कुछ स्टैंड मंगवाए हैं मेरे गार्डन के लिए। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो मैंने अभी इनको अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है, मैं आपके सामने इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो दोस्तों देखिए, अब मैं खोल रही हूँ इनको तरह से। ये आयरन स्टैंड है, और दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत होती है स्टैंडों की, क्योंकि हमारे गार्डन में, हमारे टेरेस पे वैसे ही जगह की कमी होती है, और स्टैंड से तो बहुत जगह निकल जाती है अगर हम स्टैंड पे हम पॉट रखें तो। तो ये देखिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इन स्टैंडों के, तो मैंने बाय करे हैं क्योंकि सही रेट पे मुझे मिल रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से इनका सोच रही थी। और ये हैं, तो ये देखिए, ऐसे देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये चार पीस हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चार पीस आए हैं इसमें, और ये मुझे पड़े हैं 1400 रुपये के। चार पीस 1400 रुपये के। और इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे इसमें लगी है, ये देखिए, ये इसमें रबड़ का बेस बना हुआ है इसमें, ये देखें यहाँ पे। तो इससे हमारी फर्श जो होती है उस पर जंग वगैरह नहीं लगती, और स्टैंड के भी जंग नहीं लगती नीचे से, पानी वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है। तो ये चार पीस हैं, तो इसका मैं साइज़ बताती हूँ आपको।
तो इसका साइज़ है दोस्तों, ये इसकी लेंथ है ऐसे 29 इंच, और सेंटीमीटर में बात करें तो 73.66 cm सेंटीमीटर, और इसके पैर की बात करें तो 4.5 इंच, ये चीज़, और इसके विड्थ की बात करें तो ये है 8.25 इंच, और ये चीज 8.25 इंच, ये इसका साइज है दोस्तों। कुछ ज़्यादा फिनिशिंग तो मुझे इसमें लग नहीं रही है, ये देखिए ये देखिए कैसे, ये बहुत ख़तरनाक है। चलो देखते हैं अभी क्या है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है मुझे। तो इसमें मैं आपको मेरे पॉट रख के दिखाती हूँ, तो दोस्तों ये देखिए 3 पॉट इस पर आ जाते हैं, ये देखिए, और बीच में भी जगह अभी बची हुई है इसमें, तो इसमें हम छोटे पॉट भी रख सकते हैं, 2 पॉट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बहुत अच्छे से आ जाएंगे छोटे वाले पॉट जो हमारे 4 इंच के होते हैं वो। तो ये रही मेरी शॉपिंग, तो दोस्तों देखिए इस तरह से 3 पॉट इस पर आ जाते हैं, और स्टैंड का यही फ़ायदा होता है हमें कि हमारे हम जब हम फर्श पे सफाई करते हैं, क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो अच्छे से हो जाती है, और पॉट जब फर्श पे रहते हैं तो सफाई वगैरह नहीं हो पाती, और तो दोस्तों ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, ऑनलाइन परचेज करे हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको, ये अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।